हेलो, वेलकम इन प्लांट पैराडाइज। देखिए, आज मैं सिंपल गार्डन एक ट्रे में बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने जीजी प्लांट लिया है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये शेडी एरिया में रह जाता है। देखिए, मैं इसके रूट को धीरे धीरे निकाल रही हूँ। इसके रूट के अंदर राइजोम होते हैं और आप जब तोड़ते हैं इसको तो इस बात का ध्यान रखें कि इसके जो बहुत सारे पार्ट ना बनाए। एक गुच्छे में कम से कम 3-4 डालियां होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को लालच हो जाता है कि बहुत सारे प्लांट बन जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और राइजम को आप हार्म भी ना पहुंचाएं, क्योंकि फिर प्लांट ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है। देखिए, मैं ये तोड़ रही हूँ, इसको संभाल के तोड़ दीजिए। और इस तोड़े हुए तो टूटे हुए जगह पे या तो आप फंगीसाइड या आप बीटाडीन, जो आप आगे देखेंगे मैंने लगाया है इसमें बीटाडीन, तो इसमें लगा दीजिए ताकि ये सड़े नहीं, यहाँ से सड़न मत पैदा हो जाए। इसलिए हमने ये बीटाडीन लगाया। और आगे मैं सॉयल मीडिया भी बता, ये जीजी प्लांट का सॉयल मीडिया है जिसमें मैं 2 और ये 3 3 टोटल मैंने सॉयल लिया है। और इतना ही मैंने इसके लिए 3 कटोरी बाउल मैंने सैंड लिया है। 1 बाउल ये स्टोन डस्ट है, ये स्टोन डस्ट हो गया। और 1 बाउल ये कार्बनाइज राइस हस्क है, ये आपका वो है बर्मिकुलाइट है। कटोरी ये पीट मॉस है, इसकी जगह पे कोको पीट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 कटोरी वर्मी कंपोस्ट, 1 कटोरी कैस्टर के फर्टिलाइजर है, ये 2 चम्मच नीम के पाउडर है। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। हाँ, ये देखिए सॉइल है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इस पे मैंने एक टिश्यू पेपर रख दिया है और ये मैं स्टोन चिप्स बिछा रही हूँ ताकि यदि कभी पानी ज़्यादा भी पड़ जाए तो पानी को ये अपने नीचे चल रख दे, पौधों को हार्म न पहुँचे। करीब 1 इंच का ये स्टोन चिप्स है, इसको बराबर लेयर कर दें आप। हाँ, ये वुड चारकोल है, इससे क्या फंगस है और न्यूट्रिशन को भी ये अपने में एब्जॉर्ब करके रखता है, जो मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ। इसलिए मैं ये ज़रूर रखती हूँ प्लांट्स के नीचे। अब आप सॉइल को बराबर से दबा दबा के डाल के इसमें भर दें। जीजी प्लांट एक बहुत अच्छे बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, क्योंकि अदर प्लांट, चाहे एरिका पाम लीजिए, चाहे वो लीजिए, कोई भी प्लांट जो शेडी एरिया में होते हैं उनको कभी ना कभी धूप तो दिखाना ही पड़ता है। 1 इन ए वीक लीजिए, 2 इन ए वीक। लेकिन जीजी प्लांट ऐसा है कि आप यदि ब्राइट लाइट में भी रखते हैं ना, अपने विंडो के पास रख दीजिए, चाहे दरवाजे के सामने रख दीजिए, तो ये आराम से जीता है। हाँ, जितना बाहर ग्रो करेगा उतना नहीं ग्रो करता, लेकिन ये मरता नहीं है। अब आप आउटसाइड में रखते हैं तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन हाँ, स्लो ग्रोइंग है प्लांट है ये, लेकिन ये मरता नहीं है जल्दी, बेशक जब तक कि आपने पानी न डाला हो। यदि पानी ज़्यादा डाल देंगे तो ये नहीं बच पाता है। पानी कम डालिए, कहते हैं ना कि बेचारे को इसको ज़्यादा देख रेख मत करिए। और ये जो सॉयल मीडिया मैंने मिलाया है ना, आप करीब 6-7 महीना तक कुछ मत डालिए, कोई फर्टिलाइजर मत डालिए कभी इसको। देखिए, ये बीटाडीन मैंने पहले बताया था जो मैं लगा रही हूँ, उस समय मुझे ये नहीं मिला, बाद में मिला, कहीं रख गया था। जो भी कटा हुआ पोर्शन है ना,
वहाँ हर जगह आप इसको लगा दीजिए। और इस वैसे तो आप चाहें तो सिंगोनियम भी लगा सकते हैं, सिंगोनियम भी अच्छा जाता है, लेकिन ये बहुत ही हार्डी है, उससे भी ज़्यादा हार्डी है। और एरिका पाम जो है, टेबल एरिका पाम जो है, वो भी उसको भी धूप चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि मेरे अंदर वो नहीं जी अच्छे नहीं, वो सर्वाइव नहीं कर पाए वो लोग, तो वो ख़त्म हो गया, तो मैं नहीं रखती हूँ। लेकिन ये प्लांट को करीब 6 महीने से मैंने रखा हुआ है, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं है, लेकिन ग्रीन है, पत्तियों में शाइन है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि अब जो मैंने इसमें डाल दिया है, बर्मी कंपोस्ट है और जो भी है, इससे आपको बार बार अब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने तक आप इधर देखेंगे भी नहीं तो चलेगा। उसका रीज़न है कि इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, जितना पड़ गया है उतना ही बहुत है इसके लिए। बस आपको बस पानी का शेड्यूल रखना चाहिए कि पानी बार बार नहीं, देखिए पहले कि पानी की ज़रूरत है तो ही डालिए, क्योंकि आपको ये लिविंग रूम में रखना है। और एयर पॉल्यूशन रोकने में भी ये हेल्पफुल प्लांट है। देखिए ये अभी मैंने एक एक गुच्छे में 3 या 4 डालियां रखी हैं, बहुत ज़्यादा इसको तोड़े ना, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। ये बुद्धा जी आराम फरमा रहे हैं। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और थैंक यू फॉर वाचिंग।